आप देख रहे हैं समय इंडिया 24, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। अगली खबर सीधी से, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय टमसार कुसमी में प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान का आयोजन, पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह के मुख्य आतिथ्य और धौनी विधानसभा विधायक कुंवर सिंह टेकाम की अध्यक्षता में किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राधा सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की सदैव चिंता करते हैं। नित नई जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की सबसे पिछड़ी 75 जनजातियों के लिए पीएम जनमन अभियान के माध्यम से सौगात लेकर आए हैं। इन परिवारों के सभी पात्र व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से 100% लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। राम राम साहब ललिता जी। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरी बहनों की तरफ से राम राम। आप कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं सर। अभी ठंड कैसी है वहाँ? क्या ठंड कैसी है? बहुत है सर ठंड यहाँ, बहुत ठंड है। हाँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है जरा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ललिता आदिवासी है, मेरे पति का नाम राम सेवक आदिवासी है, मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है आरजू जो छठवी क्लास। कार्यक्रम था मंत्री जी, इसमें क्या लाभ मिलने वाला है लोगों को, आदिवासियों को, बैगाव को? माननीय मोदी जी के आवास योजना करवा दी, फिर रोड रास्ता हो, कोई भी यानी भी कोई भी योजनाएं हैं, सब बैगा प्रजाति के लिए एक से एक योजनाएं निकाल रहे हैं ताकि हमारे जो बैगा जाति हैं वो पीछे जंगलों में रहते हैं वो आगे आए। इनको विशेष बैगा सहरिया भरिया को विशेष हमारे मध्य प्रदेश सरकार भी आगे आने के लिए इनको छूट दिया है। पैसा एक्ट लागू है कुसमी में भी, लेकिन आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बहुत लाभ मिल रहा है, पैसा एक्ट का नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है, मैं जान रही हूँ, शायद आप लोग ना जानते हो, मुझे पता है पैसा एक्ट का जो नियम कानून है मुझे पता है, मैं जानती हूँ। और हमारे विधायक जी हैं माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, ये पैसा एक्ट का जो लाभ है वो दिलाने में कोशिश करते हैं।